मध्य प्रदेश के खारगोन से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यह एक आवारा कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाए घूमता रहा। जिसने भी इस मंजर को देखा वह सहम गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुत्ते के मुंह से नवजात के शव को निकाला, फिर तुरंत ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोगों का कहना है कि शव को कुत्ते ने बुरी तरह से चबा डाला था, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो गया था कि यह शव लड़के का है या लड़की का। घटना सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल खारगोन शहर के जेतापुर चौक क्षेत्र के साकेत नगर में एक आवारा कुत्ता मुंह में नवजात का शव दवाई कॉलोनी में घूमने लगा। यह नजारा देखकर कॉलोनी के लोग सहम गए। किसी तरह से कुत्ते के मुंह से शव को निकाला गया। कॉलोनी में रहने वाले संदीप ने बताया कि एक आवारा कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाकर इधर उधर घूम रहा था। नवजात का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। बड़ी मुश्किल से शव को कुत्ते के मुंह से निकाला गया और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कुत्ते के मुंह से दबाने के बाद नवजात का शव क्षत विक्षत हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही नवजात के लिंग का पता लगाया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात का शव कुत्ते को कहां से मिला और किसका है। अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया है। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। आवारा कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस तरफ अभी तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं भी इलाके में बढ़ गई है।